द फिल्म कश्मीर फाइल्स ने अपने कंटेंट से लोगों को हिला डाला, वहीं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ने भी अब ट्रेड एक्सपर्ट्स को हिला डाला। फिल्मों की गणित बदलती नजर आ रही है। पहले कहा जाता था कि एक हिट या बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर्स लाने के लिए फिल्म में बड़ा स्टार होना चाहिए, थोड़े डांसेस होने चाहिए, एक्शन सीक्वेंसेस होनी चाहिए, छोटे कपड़े होने चाहिए, ग्लैमर क्वेश्चन भी होना चाहिए, आइटम नंबर होना चाहिए, लेकिन फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इस फिल्म फॉर्मूले को ही बदल कर रख दिया है। इस फिल्म में कहानी दिखाई है। इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार कोई बड़ा सुपर हीरो नहीं बल्कि कश्मीर था, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो दिखाया गया। फिल्म मेकर ने तथ्य उठाए और उनको स्क्रीन पर रख दिया। इस फिल्म में VFX नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पर एक सिंगल कैमरा से फिल्म को शूट किया गया है। इनफैक्ट कई क्रिटिक्स ने यह भी मुद्दा उठाया कि सीधे सीधे बस कैमरा एंगल्स लगा दिए हैं, कुछ सिनेमाटोग्राफी के रूप में नहीं किया गया है और फिल्म बना दी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री है। इन क्रिटिक्स के मुंह बंद हो चुके हैं। वो लोग जो कश्मीर फाइल्स को प्रमोट नहीं कर रहे थे उनका अब तमाशा बन गया है, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड के झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत कम बजट के साथ बनाया, महज 15 करोड़ के बजट से इस फिल्म को बनाया गया है। यही कारण है कि फिल्म इतनी बड़ी ट्रेजेडी पर थी, लेकिन फिल्म में कई जगह सीन्स को छोटा रखा गया, भीड़ कम रखी गई, क्योंकि बजट में फिल्म को बनाना था। लेकिन अपनी स्टोरी कहने में विवेक रंजन अग्निहोत्री सक्सेसफुल हुए, यही कारण है कि उनकी फिल्म चल पड़ी। पहले दिन इस फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की कमाई बढ़कर 8 करोड़ हो गई। तीसरे दिन फिल्म 15 करोड़ कमा रही है, चौथे दिन भी 15 करोड़, और पांचवें दिन फिल्म ने 18 करोड़ कमाए हैं। यानी कि अक्सर जो देखा जाता है कि फिल्म फर्स्ट 3 डेज में अच्छी कमाई करती है और उसके बाद कमाई गिरने लगती है, वहीं इस फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ती जा रही है। और 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ तो अकेले संडे को ही कमा लिए, मंडे को फिर 15 करोड़ और ट्यूसडे को फिर 18 करोड़। हालांकि ये फिल्म अभी लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उसके बावजूद इस फिल्म ने जिस तरीके का बिजनेस किया है और कर रही है वो किसी सुनामी से कम नहीं। हर जगह हाउस फुल है, शोज फुल चल रहे हैं, लोग थिएटर में देख रहे हैं, सीटियां और तालियां बज रही हैं डायलॉग्स पर, और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं थिएटर्स में। ये माहौल है फिल्म कश्मीर फाइल्स का।